हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पढ़ना नहीं आता तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आप अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल पढ़ना सीख जाएंगे। इस वीडियो में मैं विस्तार से पूरे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से पॉइंट में क्या लिखा हुआ होता है और उसको किस तरह से रीड किया जाता है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आप ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम लिखा रहता है जहाँ से ये बिल आता है। कुछ उसके बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारी डेट लिखी रहती है, जैसे कि आज का जो डेट है वो 14 तारीख 6 महीना 2023 का है और आज ही ये बिल आया था और मैं आज ही इस पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये तो करेंट डेट हो गई। उसके बाद ये बिल का नंबर होता है और अगला पॉइंट है बिल MNT ईयर, यानी कि 2023 का ये बिल है। पीरियड दोस्तों कितने महीने का, 1 महीने का बिल है। अकाउंट नंबर, ये वो नंबर होता है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन जमा करते हैं, तब हमें अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में ये जो है वो नाम लिखा रहता है, यानी कि कस्टमर का नेम जिसके नाम से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है। उसके बाद एड्रेस लिखा रहता है। यहाँ पर दोस्तों मीटर नंबर, अगर आपका मीटर ऑनलाइन चढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद CAT ST, CAT ST का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपका मीटर किस कैटेगरी का है। कुछ मीटर ऐसे होते हैं दोस्तों कमर्शियल होते हैं, तो उसके लिए जो नंबर होता है वो दूसरा होता है, और घरेलू मीटर के लिए हमारा LMB 1/17 यानी कि 1/17 लगता है। रिकॉर्डेड डिमांड दोस्तों वो डिमांड होती है, वास्तविक डिमांड से ज़्यादा डिमांड डालते हैं तो इसका डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, उसके बाद मीटर पे पेनाल्टी लग जाती है। रिकॉर्डेड डिमांड के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, आप कमेंट करिएगा तो इस पर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों आता है प्रीव्यू रीडिंग डेट, यानी कि पिछले महीने की जो रीडिंग ली गई थी वो किस डेट में ली गई थी, तो वो थी 16 तारीख 5 महीना 2023 की। जो अगला पॉइंट है उसमें प्रीव्यू KWH, यानी कि पिछले महीने में जो हमारी रीडिंग थी वो कितनी थी, वो थी दोस्तों 4919 यानी कि 4919। प्रेजेंट KWH का मतलब होता है इस महीने में जो रीडिंग थी वो कितनी है, वो है हमारी 5093। अब यहाँ पे हमारे पास पिछले महीने में 4949 यूनिट थे, अब जो बढ़ के 5093 यूनिट हो गए हैं, तो हमारे जो काउंट यूनिट हैं इस महीने में से पिछले महीने के यूनिट घटा देंगे तो वो निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कैलकुलेटर ऑन कर दिया है और इस कैलकुलेटर में मैं इस महीने की रीडिंग डालता हूँ जो कि है 5093, और उसको मुझे माइनस करना है जो पिछले महीने की रीडिंग है उससे, यानी कि प्रीव्यू KWH 4919। ये देखिए दोस्तों 174, तो ये 174 यूनिट हमारे देखिए ये लिखे हुए हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं काउंट यूनिट, ये 174 यूनिट हैं जो कि इस महीने में हमारे बने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रॉस बिल, ये ग्रॉस बिल हमारा 1257.88 रुपये का है। अगर मैं एक यूनिट का बात करूँ कितने रुपए का एक यूनिट है, तो जो ग्रॉस बिल बना है उसमें से मुझे 174 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको यूनिट का रेट दिखा दे रहा हूँ, आप भी इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा टोटल बिल था वो 1257 रुपये का है, 1257, उसको भाग करना पड़ेगा 174 से जो मेरे टोटल यूनिट बने हैं। ये देखिए दोस्तों 7.22 रुपये का एक यूनिट चल रहा है, जैसा कि हमारा निकल के आया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है टैरिफ सब्सिडी, टैरिफ सब्सिडी दोस्तों वो ऑप्शन होता है जो गवर्नमेंट दे रही है, यहाँ पे दे रही है उत्तर प्रदेश में, कहीं कहीं पे नहीं मिल रही है। तो 1257.88 रुपये में से जो 483 रुपये की सब्सिडी है उसको जब आप निकाल देंगे तो ये हमारा नेट करेंट बिल आ जाएगा, यानी कि 775.02 रुपये। यहाँ पे अगर आप इसकी सब्सिडी की बात करें तो देखिए ये परसेंटेज में लगभग मुझे तो 40% लग रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो एरियर का आता है, एरियर का मतलब होता है दोस्तों बकाया। दोस्तों बकाया हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, और एरियर LPS इसका मतलब होता है बकाए पे ब्याज, यानी कि जो इससे पिछले महीने का जो बिल था या उससे भी पिछले महीने का था जो हमने जमा नहीं किया, तो उस पर जो ब्याज है वो 1.82 रुपये का है। उसके बाद ये सारे ऑप्शन जोड़ के हमारा 777 रुपये का बिल आता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ड्यू डेट का होता है। ड्यू डेट दोस्तों वो डेट होती है जिस डेट पे हमें अपना बिल जमा करना पड़ता है। अगर इसके बाद में आप अपना बिल जमा करते हैं तो उस पर कुछ एरियर LPS लग जाता है, यानी कि ब्याज। यहाँ पे अगर हम बात करें हमें कितनी अमाउंट जमा करना है, तो वो होती है पेबल अमाउंट।
जो कि 777 रुपये है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।